कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार पर सबसे बड़ी हार फिरोजपुर से शेर सिंह घुबाया को देखनी पड़ी है। उन्होंने ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाए थे और अपने कांग्रेसी नेताओं पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर अब कांग्रेसी नेता पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनील जाखड़ के इस्तीफे पर कैबिनेट मंत्री का कहना है कि ये उनका खुद का फैसला है और ये फैसला लेना पार्टी हाईकमान के पक्ष में है। सर, शेर सिंह घुबाया दा हुण तो कुछ देर पहला एक बयान आया जिदे विच ओह कह रहे ने कि पार्टी दे कुछ इहो जिहे आगू ने जिहड़ी उन्हां दी सपोर्ट करदे नहीं नज़र आए, उन्हां दी खिलाफत करदे नज़र आए ने, जिस करके ओह हारे ने। नाल नाल ओह ईवीएम नूं वी कह रहे ने कि ईवीएम दे विच वी घपला होया। देखो, कांग्रेस पार्टी दे ने किसी भी सीट ते किसी दी मुखालफत नहीं कीती और जिहड़ी ईवीएम मशीन वाली गल आ ओह पूरे हिंदुस्तान नूं नहीं हजम हो रही, ओह किते ना किते जरूर हैरा फरी होई। एक होर वड्डा सवाल, सुनील जाखड़ जिहड़े ने ओह भी अपने अहुदे तों इस्तीफा दे गए और कह रहे ने कि मिशन 13 अगर फेल होया या फिर अपनी सीट तों जिहड़े हारे ने उस लई खुद नूं जिम्मेदार बणा दे, नैतिक जिम्मेदारी हां उहनां दा अपना फैसला, बाकी हाईकमांड दा फैसला। विरोधी धड़ा कह रहा है कि जरनैल दी भी ड्यूटी हुंदी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी सोचना चाहिदा है। अमरिंदर सिंह जी जिहड़े कहिंदे ने ना, कौन कहिंदा विरोधी धिर, ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੱਜ ਦਾ ਬੋਲੇ ਛਾੜਨੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 8-9 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਬੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਬੜੇ ਵਿਕਲਪ ਓਪਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਅਨਿਆ ਖਬਰੋਂ ਕੋ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਯੈਸ ਟੀਵੀ।